जय हिंद, भारत माता की जय। दोस्तों, नेवर से डाई शो का एक नया एपिसोड लेके मैं मेजर डीपी सिंह आपसे फिर रूबरू हूं। दोस्तों, आपने 26 जनवरी की परेड तो जरूर देखी होगी और उसका वर्णन करती हुई वो आवाज को भी सुना होगा। आपके कईयों के दिल में ये इच्छा भी जागी होगी कि ये किसकी आवाज है, उससे मिलना चाहिए। तो वो आवाज जो अपने शब्दों के जादू से आपका दिल जीतती है, वही व्यक्ति अपने कर्मों से भी कई बच्चों का और कईयों का दिल जीत रहा है। कौन है वो, उनसे मुलाकात करते हैं। हमारे बीच आज मौजूद हैं कर्नल JK सिंह। कर्नल JK सिंह, आपका नेवर से डाई शो के ऊपर स्वागत है सर। जय हिंद। जय हिंद। सर, शुरू करते हैं आपके बचपन से। इन दी वेरी बिगनिंग ऑफ योर लाइफ यू वर अंडर सम टाइप ऑफ डेट। क्या था वो कर्ज जो आपके सिर पे चढ़ा था? मैं ग्रामीण परिवेश से था एंड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर सैनिक स्कूल तिलैया। माय फादर वाज सब इंस्पेक्टर इन पुलिस और उस समय उनकी तनख्वाह 530 रुपए थी और स्कूल में 1225 रुपए जमा करने थे। और जाकर के एक सिनेमा हॉल के मैनेजर से उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा सैनिक स्कूल तिलैया में सेलेक्ट हुआ है, तो उन्होंने 1225 रुपए उस सिनेमा हॉल के मैनेजर से लिया था। और मैं समझता हूं कि वह जो वो कर्ज उन्होंने लिया था, वह आज भी कर्ज मैं किश्तों में चुका रहा हूं मातृभूमि के प्रति अपने दायित्व के, अपने फर्ज के रूप में। और अभी कुछ किस्तें, मुझे इस बात का एहसास है कि कुछ किस्तें बाकी हैं। ग्रेट सर, ग्रेट सर। बचपन में ही आप जब स्कूल में थे, यू वर करेजियस, और एक इंसिडेंट में आपने अपने करेज को एग्जिबिट भी किया। व्हाट वाज दैट इंसिडेंट, उसके बारे में बताइए, जिसने आपकी जिंदगी का फोकस ही चेंज कर दिया था बिल्कुल। मैं सैनिक स्कूल में था और 8वीं क्लास तक मेरे मन में बहुत सारी इच्छाएं नहीं होती थी और पूरा ध्यान सिर्फ फुटबॉल के ऊपर होता था। और एक इंटर हाउस बास्केटबॉल टूर्नामेंट हुआ और उस बास्केटबॉल टूर्नामेंट में क्वार्टर फाइनल्स में जीत गया। उसके बाद अचानक मुझे मम्स हो गए और मुझे स्कूल के MI रूम में आइसोलेशन वार्ड में भेज दिया गया। मैं वहां आइसोलेशन वार्ड से दीवार फांद करके गया और सेमीफाइनल्स खेला, अपने हाउस को सेमीफाइनल्स में जिताया और वापस दीवार फांद करके वापस मैं अपने बेड पे आ गया। वहां तक तो ठीक था, लेकिन जब फाइनल्स में जाने की बारी हुई, उस समय जो डॉक्टर थे वहां के स्कूल के, उन्होंने मुझे मना कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया और उस गुस्से में मैंने कंप्लीट MI रूम का जो कमरा था उसके सारे वायर तोड़ दिए, मैट्रेस को ब्लेड से कट कर दिया। मुझे अचानक ये महसूस हुआ कि मैंने कुछ गलती, भारी गलती की है। और उसके बाद फिर मैं जो प्रिंसिपल हमारे स्कूल के थे, कर्नल PS सत्संगी, लेट कर्नल PS सत्संगी, गॉड ब्लेस हिज सोल, वो थे, उनके पास मैं गया और मैंने कहा कि सर मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो उन्होंने बोला कि दी ओनली सिल्वर लाइन इज दैट यू आर यू नो रिपेंटिंग। अगले दिन सुबह में कॉन्फ्रेंस हुई, 40 के 40 टीचर्स थे, वो मेरे चारों ओर थे और हर टीचर यही चाहते थे कि मुझे निकाला जाए। आखिरी दौर पे हमारे प्रिंसिपल ने इसको इस तरह से क्लोज किया, आई एम द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल एंड आई टेक द डिसीजन दैट ही विल बी गिवन अ सेकंड चांस, द कॉन्फ्रेंस क्लोजेस। So that is Amazing. how I got a revival. और उसके बाद से मैंने अपने हर सेकेंड को, नॉट इवन मिनट, हर सेकेंड को किसी न किसी एक्टिविटी से जोड़ दिया। आई हैज टू प्लान फॉर इवेंट्स। बाद में मैंने स्कूल को टॉप किया, बिहार को टॉप किया और पूरे भारत में मैं तीसरे स्थान पे रहा। And I think the same persona now you are exhibiting when you are handling some strayed young minds जो थोड़े भटक गए हैं, उनको जब आप हैंडल कर रहे हो, उसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जानना पसंद करूंगा कि आपका फौज का दौर कैसे शुरू हुआ एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन द आर्मी। फौज हमें हमेशा शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत कर देती है, कई बार मानसिक तौर पे शरीर से ज्यादा मजबूत कर देती है। एक इंसिडेंट है जहां मैं वायो कोर्स कर रहा था और वायोज में क्रॉस कंट्री कंपटीशन था, सबको चेस्ट नंबर बांटे गए। मैं 42 आर्मर्ड रेजिमेंट का था तो चेस्ट नंबर मुझे 41 मिला। तो मैंने अपने DS स्क्वाड, जो कि बाद में आर्मी कमांडर वेस्टर्न कमांड जनरल KJ सिंह बने, उस समय वो कैप्टन KJ सिंह थे और मैं सेकंड लेफ्टिनेंट JK सिंह था, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे चेस्ट नंबर 42 दिया जाए। आई एम फ्रॉम 42 आर्मर्ड रेजिमेंट।
उन्होंने मेरी बड़ी बुलशिट लगाई। उन्होंने बोला कि अच्छा तुम वो हो जो मेडलिस्ट है, देयर वर टू मेडलिस्ट इन माय कोर्स हु वर क्रॉस कंट्री मेडलिस्ट ऑफ एनडीए एंड आईएमए। सो दे सेड कि यू आर ए, आई सेड नो। यू आर द सेकंड नेम, ही सेड, सेकंड मेडलिस्ट, आई सेड नो। ही सेड सो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक व्हेदर यू टेक दिस चेस्ट नंबर और दैट चेस्ट नंबर। उस समय मेरे मुंह से अचानक निकल गया, मैंने कहा सर अभी तो लड़ाई शुरू भी नहीं हुई है। एनीवे उन्होंने मेरी बहुत बुलशिट लगाई, उसके बाद मुझे भेज दिया, मैं चला गया क्लास में। वहां पर एक एनसीओ दौड़ता आया करीब आधे घंटे के बाद और उसने बताया कि सर आपको डीएस कॉट साहब बुला रहे हैं। मैं वहां गया तो वहां पर एक चेस्ट नंबर उल्टा पड़ा हुआ था उनके टेबल पे। उन्होंने कहा यार सब तो बट गए हैं, एक चेस्ट नंबर पड़ा हुआ है, तुम देख लो अगर ये तेरे काम का है तो ले जाओ। मैंने उसको उठाया तो दैट वॉज चेस्ट नंबर 42। आई पिक्ड अप दैट एंड बिलीव मी माय एवरेज परफॉर्मेंस हैज बीन, आई यूज्ड टू कम 10th इन द ओवरऑल रनिंग क्रॉस कंट्री। एंड दैट नाइट व्हेन आई स्लेप्ट एट नाइट आई ड्रीम्ड द सेम ड्रीम एटलीस्ट 25 to 26 टाइम्स। देयर वॉज अ सलामत खान टॉम, इट वॉज 16 किलोमीटर्स रन एंड आई यूज्ड टू जस्ट सी इन फ्रंट ऑफ मी दैट आई हैव क्रॉस्ड एंड फ्रॉम देयर आई एम कमिंग फर्स्ट। और फिर मेरी नींद खुल जाती थी। यही सपना मैंने 24 से 25 बार देखा। सो होल नाइट आई कुड नॉट स्लीप, आई वाज फिजिकली डाउन। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई स्टार्टेड रनिंग और मैं वहां 8 किलोमीटर वहां से मैं पहले पोजीशन पे रहा। पहुंचते ही फिनिशिंग लाइन पे दैट टाइम कैप्टन केजे सिंह वाज देयर। ही सेज ओ जेके यू हैव कम फर्स्ट, ही गेव मी टोकन 1। आई क्रॉस दैट लाइन एंड आई फेंटेड बिकॉज माय बॉडी वाज नॉट capable of carrying what was there in my mind, what army has built me. It's not just body, sir. You carry such a, you know, powerful voice also with you. तो ये जो commentator बनने का आपको शौक कहाँ से लगा? Who motivated you? वो IIT गिरिनगर का दिन था और एक प्रोग्राम चल रहा था। वहाँ पर एक हमारा एक कोर्समेट कुछ हिंदी में पढ़ रहा था और जबरदस्त तालियां बजती जा रही थी। तो मैंने अपनी वाइफ को बोस्ट किया कि ये जो ऑफिसर पढ़ रहा है वो मैंने लिखा है और ये हमारी ही लिखी हुई चीज है जिसके कारण इतनी ताली बज रही। तो शी सेड दैट व्हाई डोंट यू रीड इट। आई सेड नो नो नो, इन द आर्मी इट इज लाइक दिस, इट्स टीम वर्क। ए राइट्स, बी सिंग्स, डी सी डायरेक्ट्स, डी गेट्स द क्रेडिट एंड इट्स ऑल, यू नो, इट्स ऑल टीम वर्क। सो शी सेड नो, इट्स नॉट दैट आई एम वायलेटिंग द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क ऑन कमराडरी। आई एम सेइंग दैट इफ यू से दैट व्हाट यू हैव रिटन, you will be able to pour in more emotions in that. आप उनमें और भी अच्छी भावनाएं भर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं माना नहीं उनकी बात। रात में मैं सोच रहा था कि हो न हो वो सही कह रही है। और फिर ये दो दिन का प्रोग्राम था। सेकेंड डे आई वेंट बिहाइंड द स्टेज, इन 15 मिनट्स आई रोट ए पोएट्री, पोखरण का उल्लास। और वो प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल हुआ, शुरुआत वहां से की। और उसके बाद दूसरा इंसिडेंट जो मेरे कमेंट्री को ज्यादा रिफाइन किया वो ये था कि लेफ्टिनेंट त्रिवेणी अशोक चक्र, जिनका जम्मू में रेलवे स्टेशन पे उन्होंने आतंकवादियों के साथ लड़ा था तब अशोक चक्र मिला था, उनके नाम पर 16 कोर हेडक्वार्टर में एक इलेक्ट्रॉनिक गेट बना था और उस समय उनके इनॉग्रेशन में उनके पेरेंट्स को बुलाया गया था। तो उनकी माँ लेफ्टिनेंट त्रिवेणी की के पिक्चर को, पेंटिंग को इस तरह से दोनों हाथों से जोड़ करके प्रणाम कर रही थी। मैंने उस समय कहा था कि सृष्टि के सारे नियम बदल गए हैं, यहाँ एक माँ एक पुत्र को प्रणाम कर रही है। Tears flew in the crowd as I was speaking, and then I was immediately given assignment one after the other, and that is how this thing kept rolling. और आरडी परेड में कई बच्चे आते हैं, बहुत जोश के साथ आते हैं। और मैं जब कारगिल में बोल रहा था तो वहां परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव ने कहा कि सर अगर हमने आपकी बात लड़ाई से पहले सुन ली होती तो कम से कम 10 लोगों को और मारा होता। क्या बात है। और आर्मी डे परेड में एक बार DGMI पाकिस्तानी ब्रिगेडियर को लेकर के आए और पाकिस्तानी ब्रिगेडियर आकर के उन्होंने मुझसे कहा कि मैं मिलना चाहता था आपसे कि कौन है जो इस तरह से जोश भर रहा है और इतने जोश से बोल रहा है। तो उनसे उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि क्या आप इतने ही मोटिवेटेड हैं? तो हमने कहा कि हमारे देश का हर 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 सैनिक मोटिवेटेड है, आप में एक मौका तो देख करके देखें। सर आफ्टर हैंगिंग योर यूनिफॉर्म व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग नाउ? आजकल आपका क्या रोल है?
पहले हरी वर्दी पहनता था, देश की सुरक्षा की फसल उगाता था मैं अपने हाथ से, और अब खाकी वर्दी पहनता हूं तो देश की मिट्टी की खुशबू इस वर्दी में है। और मैं अभी एसपी स्पेशल टास्क फोर्स हूं, एंटी नक्सल फोर्स, पुलिस कमांडोज का दस्ता है। उसके अलावा मैं एक कमांडेंट हूं एक एंटी नक्सल बटालियन का। इसके अलावा मैं ओआईसी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर सेल नक्सल के खिलाफ, उसका मैं इंचार्ज हूं। इसके अलावा जो भी सेरेमोनियल परेड्स होते हैं वह भी कर रहा हूं। और एक आखिरी असाइनमेंट जो मेरे दिल के बहुत नजदीक है वो मैंने अभी अभी 2-3 महीने पहले लिया है। कुल 11 जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन होम्स हैं जो कि पूरे झारखंड में है, उनमें से 5 अभी पहले चरण में मैंने 5 की जिम्मेदारी ली है। आंतरिक सुरक्षा की मेरी जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन जब मैं वहां गया और जाकर के देखा तो मुझे लगा कि मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, तो मैं ओवरऑल रिफॉर्म्स का भी अभी स्टेट नोडल ऑफिसर हूँ। आपके जो जितने सारे रोल्स हैं सर पुलिस से रिलेटेड, उसमें आपको कोरोना के दिनों में तो अपने आप को बहुत बचा के रखना पड़ा होगा। हाउ डिड यू मैनेज योरसेल्फ, योर फैमिली, योर टीम टू स्टे सेफ ड्यूरिंग कोरोना डेज? मैंने कोरोना को एक युद्ध की तरह ही माना है, बहुत स्ट्रिक्ट मास्क, सैनिटाइजेशन, इन सब चीजों का प्रबंध किया। मैं कुछ ऑडियो मैसेजेस देता था, 15-16 अलग अलग वीडियोस बनाए जो कि मेरे वेबसाइट नेशन बिफोर सेल्फ, उससे भी काफी जागरूकता फैलाई। वैक्सीन ट्रायल के लिए अपना बॉडी ऑफर किया था। उसी के साथ में मैंने एक कोरोना योद्धा बैज बनाया, तो जहां जहां भी मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखता था, कभी कोई पुलिसकर्मी धूप में परेशानी में पसीने पसीने है और ट्रैफिक की ड्यूटी कर रहा है, कोई डॉक्टर दिखता था, कोई सफाई कर्मचारी दिखता था, इवन वॉलंटियर्स दिखते थे, तो मैं मीडिया के भी लोग थे, उनको मैं वो बैज लगाता था। और एक बैज मैंने लगाया वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर, जहां एक 10 साल की लड़की लगातार 6 महीनों से वहां से जो भी मजदूर या बाकी लोग जो भी निकलते थे उनको वो पानी पिलाती थी। जहां तक मेरे परिवार का सवाल है, मेरी पत्नी काफी सजग थी इस समय, और उन्होंने कैमोफ्लेज पैटर्न हमारे लिए मास्क बनाए, एंड शी डिस्ट्रीब्यूटेड इट टू लार्ज नंबर ऑफ पुलिस पर्सनल। जो मेरी छोटी बेटी संस्कृति, उसने उन दिनों सैनिटाइजर कहीं मिलते नहीं थे, आई एम टॉकिंग ऑफ मार्च, उसने खुद ब खुद यूट्यूब से देख करके सैनिटाइजर, और मेरे बार में जितने भी लेकर थे वो सबका इस्तेमाल सैनिटाइजर। मेरी जो बड़ी बेटी है सृष्टि, कमर्शियल पायलट है एयर इंडिया एक्सप्रेस में, उसने मुझे बताया, तो मैंने कहा इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, देश के लिए तो आप हमेशा आपको आगे ही बढ़ना है, फौजी की बेटी हो। तो उसने फिर मुझे बताया कि मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, मैं तो बता चुकी हूँ कि मुझे जाना है, मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ। सर कमिंग बैक टू योर रोल, आपको जो वो बेनिवोलेंट एक्ट आपके प्रिंसिपल ने आपकी जिंदगी में बदलाव लाने वाला किया था, सिमिलरली यू आर ऑल्सो नाउ ट्राइंग टू ब्रिंग चेंज इन द लाइव्स ऑफ मेरी मेनी इनमेट्स। आपको लगता है कि जो बच्चे भटक गए हैं रस्ते से, उनको ठीक किया जा सकता है? कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि पॉसिबल नहीं है। समाज में अगर आप कुछ भी करना चाहें, देश के किसी भी कोने में कुछ करना चाहें, सिर्फ जज्बा चाहिए। एब्सोल्युटली, नेवर से डाई। तो मैंने शुरुआत की उनके लिए ई एजुकेशन, म्यूजिक थेरेपी, उसके साथ साथ में कुछ एक एक्टिविटीज, और मैंने अपनी डॉटर सृष्टि जो पायलट है उसका जन्म दिवस भी, बर्थडे भी मैंने उनके साथ ही मनाया, और चॉकलेट्स और केक हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। क्योंकि वो 18 साल से नीचे हैं, तो वो उनका कैरेक्टर ग्रीन है एज फार एज आर्मी रिक्रूटमेंट इज कंसर्न, उस पर कोई दाग नहीं लगता है। तो मैंने इनको आर्मी रिक्रूटमेंट की तैयारियां शुरू कराई, और मैं आपको बताता हूँ क्या जज्बा है। कुछ SBI के लोग हमारे साथ जुड़े, वे जब अंदर आ रहे थे और मैं उनको ले जा रहा था दिखाने के लिए कि कहां कहां पे क्या क्या काम हुआ है, जैसे ही मैं अंदर घुसा तो पूरे जुवेनाइल होम से जोर से आवाज आई, जय हिंद सर। क्या बात है। जो डीजीएम थे उन्होंने कहा कि लगता है मुझे कि मैं लड़ाई के मैदान में आ गया हूँ। तो मैंने कहा यस, ये लड़ाई है, ये लड़ाई का मैदान ही है, ये लड़ाई खुद से खुद की लड़ाई है जो मैं अब इनके साथ खड़े होकर के लड़ रहा हूं, और ये मैं जीत कर रहूंगा। आप क्या विजुलाइज करते हैं सर, अब आपके जो काम है बच्चों की तरफ उनको सुधारने का, जो आपने बीड़ा उठाया है, डू यू थिंक दैट इज इट अ पॉसिबल टास्क, एंड वेयर डू यू सी द फ्यूचर इज? परेशानियां हैं, परेशानियां होंगी, दुविधाएं होंगी,
कठिनाइयां होंगी, लेकिन हमें फिर भी आगे जाना है। मेरा टारगेट है 6 महीनों के अंदर में मैं जितने भी संप्रेषण गृह हैं या विशेष गृह हैं झारखंड के, उनको मैं अंतरराष्ट्रीय मैप पर अंकित करना चाहता हूँ, नॉट राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय मैप पे। व्हाट इज योर मैसेज फॉर द लार्जर ऑडियंस? हमें इसकी कोई चिंता नहीं करनी चाहिए कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैं जो कर रहा हूं वो कितना पसंद किया जा रहा है, कितना नापसंद किया जा रहा है। अगर आपकी मंशा राष्ट्रहित में है तो आपको निर्भीक निडर होकर के चलना चाहिए। आप आज अकेले हैं, लेकिन एक समय होगा जबकि सारी भीड़, सारा हुजूम आपके पीछे होगा, देश आपके साथ है। कुछ लौ पल जीकर एक सच्चे साधारण सैनिक की यही कामना है, ईश्वर से यही प्रार्थना है, हे भगवान मेरे शरीर को मरणोपरांत ऐसे लगाना, तिरंगा बनाने वाले बुन करके चूल्हे में ईंधन बनाना, जिससे जब जब वह कपड़े पर भाप लगाए, अपने पसीने की छाप लगाए, तो उसके पसीने के साथ, तिरंगे के कसीने के साथ मैं लहराता रहूं, देशभक्ति गीत गाता रहूं, देशभक्ति गीत गाता रहूं, देशभक्ति गीत गाता रहूं। सुपर्ब सर, सुपर्ब, अमेजिंग। आपके इतने अच्छे शब्दों से को सुन के मुझे भी मोटिवेशन, बैठे बैठे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और मैं जानता हूं कि अगर ये ऑडियंस, लार्जर ऑडियंस तक जब पहुंचेंगे आपके शब्द, तो कैसे उनका दिल और दिमाग, आप जीतने में ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं और होते रहेंगे। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो सर, वी विश यू ऑल द लक फॉर द गुड वर्क विच यू आर डूइंग, एंड आई एम श्योर ये जो बच्चे जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, इनमें से आने वाले वक्त में बहुत सारे बच्चे देश का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू मेजर डीपी, थैंक यू, जय हिंद। तो दोस्तों, ये थे कर्नल जे के सिंह। एक व्यक्ति क्या कुछ नहीं कर सकता, इसका साक्षात एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। दो लाइनें इनसे ही प्रेरित होकर मैं भी बोलना चाहूंगा। आपने सुना होगा वो कपलेट कि मुद्दे ही लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, लेकिन इसकी दूसरी लाइन मैंने थोड़ी तब्दील कर दी है कि मुद्दे ही लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, इंसान अगर ठान ले तो उसके आगे खुदा भी झुका होगा। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आपने अपने विचारों में बदलाव लाना है, ये ठान लेना है कि जितनी मर्जी नेगेटिविटी आसपास मिल रही हो, आपने अपनी अच्छाइयों को नहीं छोड़ना है, प्यार बांटते रहना है, कंपैशन फैलाते रहना है और इस देश को अच्छा बनाते रहना है। नेवर से डाई शो की तरफ से आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। अगले हफ्ते तक आपसे विदा लेते हुए मैं मेजर टीपी सिंह आपके लिए दुआ करता हूं। तब तक जय हिंद, भारत माता की जय।